चरम दक्षिण पंथी जो पार्टियां हैं, जो इमिग्रेशन के ऊपर, जो लोगों को अलग थलग करने के सवाल पर, जो नई उदारवादी नीतियों को आक्रामक तरीके से थोपने के सवाल पर है, और पिछले दिनों से बीजेपी आरएसएस इन पार्टियों के साथ संबंध लेके चलता है, इसलिए ये तारीफ है, क्योंकि पिछले 86 दिन से जो जो मांगे सरकार ने की थी, वो मांगे, वो दावा बिल्कुल बेबुनियाद साबित हो चुकी है। और बेबुनियाद करने के लिए, जैसे शबनम शुरू में ही बोल रही थी कि कश्मीर के आवाम ने एक एक बेतहाशा एक मिसाल बनाया है, जब उन्होंने अपने आप स्वयंस्फूर्त तरीके से सत्याग्रह मना रहे हैं, जो अस्वीकार कर रहे हैं, कबूल नहीं कर रहे हैं इस परिस्थिति को, और उसके चलते सरकार के झूठे भी साबित हो रहा है। आज वो अलग बात है, हम किसी मीडिया को अलग से कोई लांछन लगाना चाहूंगा नहीं, लेकिन जो हमारी मूल धारा के माध्यम है, जिसके मालिकों के अच्छी खासी दोस्ती है मोदी जी के साथ और उनके लोगों के साथ, तो वो जो प्रस्तुत करना चाहते हैं कश्मीर के जो वास्तविकता, तो उसका भी भंडार फोड़ा जा रहा है। विदेशी मीडिया में जो आ रहा है उससे साबित हो रहा है, और हमारा जो गृहमंत्री हैं उनका तो कोई बात ही नहीं चलेगा, बोलता है ये सब सन्नाटा है, ये एक भी गोली नहीं बरसाते हुए हमने कायम किया है, उनको दिखाई नहीं देता। कश्मीर के बच्चों को जिसका आंखें जा रहा है पलट से, लेकिन जिस वजह से ये बात ये कर रहे हैं, जैसे जज साहब सही फरमाया है कि अगर पार्टियों के इलेक्शन मैनिफेस्टो से जम्मू कश्मीर हट जाएगा तो जम्मू कश्मीर का जो राजनीतिक समाधान होगा, अगर पूरा नहीं तो कुछ हद तक हुआ है, अभी जो विधानसभा के चुनाव हुआ था उसमें मोदी जी और अमित शाह जी पूरा घूम घूम के 370 हटाने के आधार पे उनको चुना जाए, ये जो मांग उन्होंने उठाया था लोगों ने उसको ठुकरा दिया। तो कश्मीर की लड़ाई आज पूरे हिंदुस्तान का लड़ाई है, हिंदुस्तान के जनवादी और सेक्युलर ताकतों का लड़ाई है, जो बहुत ही दर्द को महसूस करते हुए जाट साहब बोल रहे थे कि कोई अगर अंग उसमें कोई खराबी आ गया, कोई बीमारी आ गया, उसको इलाज करके ठीक करना पड़ता है, उसको काटा नहीं जाता है, तो जो लोग काटने का कोशिश किया है उन लोगों को मजबूर करना होगा, और वो मजबूरी उसको तभी आ सकता है जब बाकी मुल्क के लोग उनको मजबूर कर सकता है कि जो कदम उन्होंने उठाया है वो कदम को वापस लेने के लिए उसको हम सब मिलके बाध्य कर सकते हैं। और हम अपनी पार्टी की ओर से कह सकते हैं हमने कदम उठाया है, हमने कानूनी लड़ाई जीत के हम गए हैं, हमारे नेता के जो एमएलए हैं आप जानते हैं कारीगावी साहब, उनके केस में पहली बार यह सामने आया है, उनको जो घर में बंद करके रखा गया है वो कोई भी कानून का इस्तेमाल नहीं हुआ। जब पूछा गया जांच के सामने ये बताओ किस कानून के किस प्रावधान के तहत इसको रोक के रखा है, बोला नहीं हम तो रोक के नहीं रखा, लेकिन उसको घर से निकालने नहीं देगा, उसको घर में कोई नहीं बाहर से जा सकता, तो क्या है उनका स्थिति ये बताने में
सरकार का पसीना निकल आया। तो अभी हम वो जो केसेस के बारे में बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में 370 का एप्लीकेशन चैलेंज करके करते हुए हम गए। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारी वो ताकत है, वो ताकत के साथ हम पूरे देश के अंदर खुलकर ये बात को लेके हम प्रचार में गए, क्योंकि कश्मीर में जो हो रहा है अगर ये हमेशा के लिए जारी रहेगा, बरकरार रहेगा, तो हमारा देश के अंदर भी जो जमहूरियत लोकतंत्र नहीं बचेगा, हमारे देश के अंदर भी सेक्युलरिज्म नहीं बचेगा। अगर कोई समझता है, हमें तो शर्म आता है, वो क्षेत्रीय पार्टियां जिसको सबसे ज्यादा मुखर होना चाहिए था पार्लियामेंट में, वो गिड़गिड़ाते हुए सरकार के साथ। हम 12 साल पार्लियामेंट में थे, कॉमरेड हनुमान मुल्ला 20 साल से ज्यादा थे। हम हमेशा देखते थे पार्लियामेंट के अंदर जो यूनियन टेरिटरी होता है उनके लोग आवाज उठाता है कि हमें पूर्ण प्रदेश का दर्जा दे दो। एक पूरा दर्जा वाला एक प्रदेश, उसको केंद्र शासित क्षेत्र घोषित किया जाएगा, ये हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे, वो हुआ। लेकिन उनको भी समझना होगा कि ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए ये जो राजनीति है, ये राजनीति भी अलग कोई घटना नहीं है। इनके विदेश नीति में भी वो बात सामने आ रहा है, उनके अर्थव्यवस्था को प्रबंधन करने का जो तरीका है उसमें भी आ रहा है, और उसमें लोगों का गुस्सा पैदा हो रहा है। तो इसीलिए हम समझते हैं मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर हम एकजुट रहेंगे तो जरूर ये परिस्थिति जो सरकार ने पैदा किया है उसको वापस लेने के लिए, उसको मजबूर किया जा सकता है। इस विश्वास के साथ हमें सबको एकजुट होना पड़ेगा, हमारा सबका ताकत लगाना पड़ेगा। और जैसे शुरुआत में शबनम बोल रही थी कि कश्मीर की जनता को ये भरोसा देना होगा कि ये कदम देश की हुकूमत का था, लेकिन देश की आवाम इसके साथ नहीं है, और इस लड़ाई में हम हर कदम पे रहेंगे। इस यकीन दिलाते हुए मैं अपना बात खत्म कर रहा हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।